YouTube पर किसी भी तरह का प्रोफेशनल वीडियो बनाने के लिए एक अच्छे माइक का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपकी वीडियो का आवाज क्रिप्ट क्लियर और लाउड नहीं होगा तब तक लोग आपकी वीडियो में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे। इसलिए YouTube का एक सिंपल सा रूल है कि अगर आपकी वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं है, आपकी वीडियो में लाइटिंग अच्छा नहीं है, तब भी लोग एडजस्ट कर लेंगे, आपकी वीडियो को देख लेंगे। लेकिन अगर आपकी वीडियो में आवाज अच्छा नहीं है, आपका साउंड क्रिप्ट क्लियर और लाउड नहीं है, तो लोग आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे, तुरंत स्किप करके चले जाएंगे। इसलिए एक कहावत भी है कि अगर आप YouTube पर काम करना चाहते हैं और अगर आपके पास सिर्फ 1000 रुपया है और आप लाइट या माइक में से किसी एक चीज को खरीदना चाहते हैं तो आप माइक के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि किसी भी वीडियो को अच्छा बनाने के लिए आवाज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका आवाज जब लाउड होगा, क्लियर होगा, तभी आपका जबरदस्त वीडियो बनेगा, तभी लोग आपकी वीडियो को देखेंगे। अब अगर आप बेस्ट माइक को ऑनलाइन इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो 100 रुपए से लेकर 50,000-60,000 तक आपको लाखों माइक मिल जाएगा, जिसमें से 90% माइक फेक होते हैं। और अगर आप बेस्ट माइक को यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपके सामने हजारों वीडियो आ जाएगा, और जिसके पास जो माइक होता है वो उसी का बड़ाई बताना चालू कर देता है, और कोई आपको बताएगा कि आप बिना माइक का वीडियो बनाइए, कोई आपको बताएगा कि माइक के जगह आप ईयरफोन के माइक का यूज कीजिए, कोई आपको बताएगा कि बोया का यमोन माइक ले लीजिए, तो कोई आपको बताएगा M2 माइक ले लीजिए, कोई आपको JBL का माइक बताएगा, तो कोई आपको DJI का माइक बताएगा। मतलब कि अगर आप माइक के बारे में YouTube पर सर्च करेंगे तो जितना वीडियो आप देखेंगे उतना ज्यादा आप कंफ्यूज होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास एक साथ बहुत ज्यादा माइक है जिसको लाइव में आपके सामने टेस्ट करने वाला हूं। जैसे कि हमारे पास बोट का ईयरफोन माइक है, हमारे पास यहां पे आप देख सकते हैं बोया का यमोन माइक है, बोया का हमारे पास M2 माइक है, बोया का हमारे पास M3 माइक है, साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास स्टूडियो माइक है, और जिस माइक का अभी मैं यूज कर रहा हूं यहां पर एक वायरलेस माइक ये है, और साथ ही आप देख सकते हैं एक वायरलेस माइक ये भी है। तो आज हमारे पास बहुत सारा माइक है, एक एक करके हम सभी माइक को टेस्ट करेंगे, और आपके बजट के हिसाब से जो भी माइक अच्छा लगता है, जिसका आपको आवाज क्रिप्ट क्लियर लाउड लगता है, उस माइक को आप परचेज कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं अपना बिना कंफ्यूज किया ओपिनियन भी दूंगा कि आपको कौन सा माइक खरीदना चाहिए, आपको कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए एक एक करके सभी माइक का टेस्टिंग करते हैं। अभी आप जो आवाज जो सुन रहे हैं ये मेरे मोबाइल के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब मैंने किसी भी तरह का कोई भी माइक कनेक्ट नहीं किया है, मोबाइल में जो माइक होता है उसी माइक से मेरा आवाज रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर आप अपने मोबाइल से आवाज को रिकॉर्ड करते हैं और अगर आप इतना दूर खड़ा होकर वीडियो बनाते हैं तो कुछ इस तरह का आवाज रिकॉर्ड होगा। अब मोबाइल से आवाज रिकॉर्ड करते समय बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जहां पर हवा चल रहा है वहां पर आपको मोबाइल के माइक का यूज नहीं करना है, वरना आपके आवाज से ज्यादा हवा रिकॉर्ड हो जाता है, फिर साय साय का आवाज आएगा, तो आपका आवाज क्रिप्ट और क्लियर रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अगर आप बिना माइक के आवाज को रिकॉर्ड करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका आवाज रिकॉर्ड होगा। अभी आप जो आवाज सुन रहे हैं ये बोट के ईयरफोन माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, जो अमेजोन पर आपको 300-350 रुपए में मिल जाएगा। तो अगर आप फेस कैम वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, सिर्फ आप वॉइस ओवर करके वीडियो बनाते हैं, और अगर आपका बजट बहुत ही कम है तो आप एक अच्छे क्वालिटी के ईयरफोन माइक का भी यूज कर सकते हैं। बस ईयरफोन के माइक का यूज करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप आवाज को रिकॉर्ड करें तो ये जो माइक होना चाहिए ये आपके मुंह के नीचे होना चाहिए, कुछ इस तरह से। अगर आप सामने करके ऐसे बोलेंगे तो जो मुंह से आपका एक हवा निकलता है वो हवा रिकॉर्ड हो जाएगा, जिससे कि आपका आवाज फिर क्लियर नहीं आएगा, आपका आवाज एक अलग टाइप का हो जाएगा। तो ईयरफोन के माइक से रिकॉर्ड करते समय बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि मुंह के सामने आपको ये जो माइक है माइक को नहीं रखना है, थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर रखें, जिससे कि आवाज अच्छा रिकॉर्ड हो और मुंह से जो हवा है वो सीधा आपका निकल जाए। तो अभी आप जो आवाज सुन रहे हैं ये बोया का यमोन माइक है, जो 8 मीटर वायर के साथ आता है, मतलब कि आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद काफी दूर पीछे जाकर भी वीडियो बना सकते हैं। और ये माइक आपको अमेजोन पर 600 रुपए से लेकर 700 रुपए तक मिल जाएगा। इसमें किसी भी तरह का आपको चार्जिंग करने की जरूरत नहीं है, सेल डालने की जरूरत नहीं है। अब कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें एक छोटा सा बैटरी लगता है, लेकिन उस बैटरी का यूज तब है जब आप इस माइक को DSLR में यूज कर रहे हैं। अगर आप मोबाइल में लगाकर वीडियो बनाते हैं तो कोई भी चार्जिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का आपको कोई भी बैटरी डालने की जरूरत नहीं है। तो ये बोया का यमोन माइक है, आप आवाज को सुनिए, इसका आवाज आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। तो अभी आप जो आवाज सुन रहे हैं ये बोया का M3 माइक है, जो अमेजोन पर आपको 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक मिल जाएगा। अब सबसे
पहले आप बोया यम वन यम टू और यम थ्री में अंतर समझ लीजिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मैं बोया यम वन को खरीदूं, यम टू को खरीदूं या यम थ्री को खरीदूं। तो देखिए बोया का जो यम वन माइक है वो नॉर्मल 3.5 mm जैक के साथ आता है। अब पहले मोबाइल में जो ईयरफोन लगता था, जिस टाइप का ईयरफोन लगता था, बोया का यम वन माइक उस जैक के साथ आता है। अब बोया का जो यम टू माइक है वो आईफोन जैक के साथ लगता है। अगर आपने आईफोन वाला देखा होगा तो उसमें एक अलग टाइप का ही जैक लगता है, मतलब ना वो 3.5 mm होता है ना वो टाइप सी होता है, वो अलग टाइप का होता है। तो अगर आपके पास आईफोन डिवाइस है, आईफोन का मोबाइल यूज करते हैं तो आप बोया का यम टू वाला माइक यूज कर सकते हैं। अब अगर आपके पास टाइप सी वाला जैक है, जैसे कि अभी बहुत सारा मोबाइल आ रहा है जिसमें टाइप सी का चार्जर भी लगता है और टाइप सी का ईयरफोन भी लगता है, उसमें आप नॉर्मल 3.5 mm का होता ही नहीं है। तो अगर आपके पास नया वाला टाइप सी वाला मोबाइल है तब आपको बोया का यम थ्री यूज करना होगा। अब बहुत सारे लोग दिमाग लगाएंगे कि यार मैं बोया का यम वन ले लूंगा और उसमें मैं कनेक्टर यूज करके, कनेक्टर आता है ना कि नॉर्मल ईयरफोन को वो टाइप सी में बदल देता है, उसे यूज करके मैं अपना माइक यूज कर लूंगा। तो देखिए अगर आप इस तरीके से जुगाड़ लगाएंगे तब आपका आवाज क्रिप्ट और क्लियर रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि बीच में जो कनेक्टर होता है वो आपके आवाज को खराब कर देता है। इसलिए मैंने पहले ये अपना दिमाग लगाया था, मैं ये खेल खेल चुका हूं, जब सब खेल खेल कर मैं थक गया तब फिर आपको डायरेक्ट टाइप सी वाला माइक लेना पड़ेगा। तो इसलिए इस चक्कर में आप मत रहिएगा कि मेरा टाइप सी है तो मैं बोया का यम वन वाला माइक ले लूं और उसमें टाइप सी का कनेक्टर यूज करके मैं माइक को चला लूंगा, तब आपका पैसा भी बर्बाद होगा और जो आप दिमाग लगाओगे वो आपका दिमाग भी फेल हो जाएगा। इसलिए इस चीज को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। तो अभी जो आप आवाज सुन रही है बोया का यम थ्री है, आप कमेंट करके बताइएगा कि यम थ्री वाला माइक आपको कैसा लगा। अभी आप जो आवाज सुन रही है एक स्टूडियो माइक है जिसको आप अमेजोन पर 1200 रुपए से लेकर 1500 के बीच में खरीद सकते हैं। अब ये माइक भी नॉर्मल माइक के जैसा काम करता है, आपके मोबाइल में कनेक्ट हो जाएगा, टाइप सी के साथ भी आता है और 3.5 mm जैक के साथ भी आता है। अब इसका यूज आप तब कर सकते हैं जब आप एकदम से प्रोफेशनल स्टूडियो में वीडियो बना रहे हैं, आप पॉडकास्ट टाइप का वीडियो बनाते हैं या फिर थोड़ा एक वोकल टाइप का आप वीडियो बनाना चाहते हैं, लोगों को स्वाप करना चाहते हैं कि हाँ मैं भी यूट्यूबर हूँ, एकदम से प्रोफेशनल वीडियो बनाता हूँ, तो इस माइक का आप यूज कर सकते हैं। बस इसमें आवाज को लेकर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, मतलब क्वालिटी थोड़ा सा कम होगा जैसा कि आप सुन रहे हैं, लेकिन अगर इसी टाइप का और आपको माइक चाहिए, थोड़ा सा आप और पैसा लगाएंगे 4000-5000 तो और भी आपको माइक मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मल वीडियो बनाने के लिए ये माइक बढ़िया नहीं है। लेकिन अगर आप बैठकर कोई पॉडकास्ट टाइप का वीडियो बनाना चाहते हैं, कुछ आप ज्ञान की बातें दे रहे हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं, तब आप इस माइक का यूज कर सकते हैं। इसमें पूरा स्टैंड आता है जिसको आप बगल में कहीं पर भी कस देंगे, उसके बाद इसमें पूरा दिया होता है कि कितना आपको आगे पीछे ऊपर नीचे, इसके बाद ये सारा चीज यहाँ पर फिक्स हो जाता है। मैं इसका यूज नहीं करता हूं तो ऐसे रखा हुआ था, लेकिन अगर आप इसको एक बार सेट कर देंगे तो बार बार आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। कमेंट करके बताइएगा कि ये भौकाली वाला माइक आपको कैसा लगा, पड़ोसी को जलाना है कि भाई मैं यूट्यूबर बन गया हूं, तब आप इस वाले माइक का यूज कर सकते हैं। तो फाइनली अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं ये जरीनारो का एक वायरलेस माइक है जो अमेजोन पर आपको 1500 रुपए से लेकर 1700 रुपए तक मिल जाएगा। अभी ये एक वायरलेस माइक है तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी तार या वायर नहीं है, बस इसे आपको चार्ज करना पड़ता है। अब इस माइक का जो सबसे खास बात है कि यहां पर आपको 3 मोड में नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा आवाज हो रहा है, अगर आप मार्केट में जाकर ब्लॉग बनाते हैं या आपका घर किसी रोड के पास है जहां पर गाड़ी आता जाता रहता है, हॉर्न होता रहता है, बच्चे खेलते हैं तो उसका आवाज आता जाता रहता है, तो इसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन मिलता है। आपको 3 टाइप का नॉइस कैंसिलेशन मिलता है, ज्यादा अगर आवाज हो रहा है तो आप फर्स्ट मोड यूज कीजिए और ज्यादा हो रहा है तो सेकंड मोड यूज कीजिए, अगर आप बिल्कुल मार्केट में ही खड़े हैं जहां पे बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है तो आप नॉइस कैंसिलेशन के 3 लेवल का यूज कर सकते हैं। यहां पर एक बटन दिया हुआ है, इसको क्लिक करके आप लेवल को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसे चार्ज करना पड़ता है, चार्ज कैसे होता है, इसके साथ इस तरह का एक आपको डब्बी मिलेगा। अब इस डब्बी को आप एक बार चार्ज कर लीजिए, उसके बाद जैसे इस माइक को इसमें आप डालेंगे ये ऑटोमेटिक चार्ज होने लगेगा। तो एक बार इसे आप चार्ज कर लेंगे तो फिर इसमें आप डाल दीजिए ऑटोमेटिक चार्ज होगा, एक बार इसे चार्ज करने पे 4-5 बार ये ऑटोमेटिक फुल हो जाएगा, आप 5-6 घंटे का वीडियो बना सकते हैं एक बार चार्ज करने के बाद। अब इसमें आता क्या है, इस डब्बी में 2 चीज आता है, एक तो आपका माइक होता है, माइक को आप अपने कॉलर पे कहीं भी लगा सकते हैं, ये वायरलेस है तो आप कहीं भी लगाइए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इसमें एक रिसीवर होता है, मतलब एक कंट्रोलर होता है, रिसीवर होता है जिसे आप अपने मोबाइल में कनेक्ट कर दीजिए। अभी मैंने अपने मोबाइल में कनेक्ट किया है। अब ये वायरलेस माइक है तो सबसे बढ़िया चीज क्या है कि आप कहीं भी इधर उधर घूमिए, फ्री होकर घूमिए, कोई बीच में तार नहीं आता है तो एक्सप्लेन करने में, हाथ चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप ब्लॉग टाइप का वीडियो बनाते हैं, घूम घूम कर वीडियो बनाते हैं तो ये अच्छा है, आप कहीं भी जाइए,
जैसे ब्लॉग टाइप का वीडियो देखते ना लोग एक्सप्लेन करते हैं, दोस्तों आज मैं यहाँ पर आया हूँ, आप देख सकते हैं ये एक महल है, राजा का महल है और ये जगह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसे घूम घूम कर वीडियो बनाते हैं। तो ये माइक है बेस्ट है, आप कहीं भी चले जाइए आपका जो आवाज का लेवल होगा एकदम से बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि आप पीछे घूम गए तो आपका आवाज चेंज हो जाएगा, आप दूर चले गए तो आपका आवाज चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 50 मीटर तक सपोर्ट करता है, कनेक्ट करने के बाद आप 50 मीटर दूर चले जाइए आपका माइक एकदम से उसी लेवल का आवाज रिकॉर्ड करेगा। इसमें कई तरह का और मोड है, फनी वीडियो जैसे आपको बनाना हो तो मोटा आवाज कर सकते हैं, पतला आवाज कर सकते हैं, नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन है। और इसमें अगर आप इसे खरीदेंगे तो आपको दो मॉडल मिलता है, एक तो आपको मिलेगा एंड्रॉइड का, एक आपको मिलता है एंड्रॉइड प्लस आईफोन का, उसमें आपको आईफोन का भी सपोर्ट मिलेगा, मतलब एक आपको जैक दिया रहता है उस जैक को कनेक्ट करके आप आईफोन में भी लगा सकते हैं। तो इससे आप खरीद सकते हैं, 1600-1700 रुपए में आपको अमेजोन पर मिल जाएगा। इससे आप एंड्रॉइड में भी यूज कीजिए, आईफोन में भी यूज कीजिए, जबरदस्त माइक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि इस वायरलेस माइक का आइडियो आपको कैसा लगा। तो आपने एक एक करके इन सभी माइक को देखा, इनके आवाज को सुना, आपको अंदाजा लग गया होगा कि इसमें से कौन सा माइक बेस्ट है। अब अगर लास्ट में आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा माइक खरीदना चाहिए, तो बिना किसी कंफ्यूजन के मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। तो देखिए, अगर आप यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं तो आपको कभी भी 200, 300, 400, 500 वाले माइक पर पैसा खर्च नहीं करना है। ये सभी माइक लो क्वालिटी के होते हैं। तो फर्स्ट, अगर आपके मोबाइल में 3.5 mm का जैक लगता है तो आपको बोया का M1 माइक खरीदना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आंख बंद करके आप बोया का M1 माइक खरीद लीजिए, बजट कम है M1 लीजिए, जबरदस्त माइक है। ये वाला माइक जो आपको क्वालिटी देगा वो आपको 20,000-30,000 वाला माइक भी क्वालिटी नहीं देगा। तो अगर आपके पास 600-700 रुपया है और आपके मोबाइल में इस तरीके का 3.5 mm का जैक लगता है, भैया बोया का M1 माइक खरीद लो, आपको कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपके मोबाइल में टाइप सी का सपोर्ट है और अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है, 1500-1700 है, तो भैया बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रिसर्च के जेरिनारो का ये वाला वायरलेस माइक खरीद लीजिए, आपको कहीं भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बजट में ये सबसे बेस्ट माइक है और इसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप बाहर वीडियो बनाते हैं, शोरगुल में भी वीडियो बनाते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अपने हिसाब से इसके आवाज को एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये माइक दो टाइप का आता है, एक तो आता है जिसमें इस तरीके का दो माइक होता है, अगर आप इंटरव्यू करते हैं तो इस तरीके का दो वाला खरीद सकते हैं, आपको 2300-2400 तो मिल जाएगा। अगर आप मेरे जैसा सिंगल वीडियो बनाते हैं, नॉर्मल आपको चाहिए, तो 1500-1600 रुपए में ये आपको सिंगल पेयर के साथ मिल जाएगा, जिसको आप खरीद लीजिए। और यहां पर आपको 2-3 गैजेट और मिल जाता है, जैसे कि आईफोन का भी सपोर्ट मिल जाएगा, ईयरफोन जैक भी आपको मिल जाता है, तो ये सारा आइटम इसमें आपको मिल जाएगा। एक बार अपने डिब्बी को चार्ज कर लीजिए, 4-5 घंटा आपका वीडियो बनेगा, मतलब एक बार चार्ज करने के बाद आप 10-15 दिन आराम से एक एक वीडियो बना लेंगे, आपका चार्जिंग खत्म नहीं होगा। और रेगुलर मैं भी इसी माइक का यूज करता हूं, ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो बोया का मैं यूज करता हूं या फिर मैं इस वाले माइक का यूज करता हूं। तो सिंपल है भैया, बजट ज्यादा तो इसको खरीदिए, बजट कम है तो बोया का M1 खरीदिए। बाकी आपको कौन सा माइक अच्छा लगा, किसका आवाज अच्छा लगा, आप कमेंट करके बताइएगा, अपने हिसाब से भी आप खरीद सकते हैं, जो आपका रिक्वायरमेंट है, जो आपका अच्छा लगा है, जिस टाइप का वीडियो बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। सभी माइक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक करना है, डिटेल जानना है, प्राइस जानना है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आराम से चेक कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आपको जो खरीदना हो खरीदिएगा, जो अच्छा लगे वही आप खरीदिएगा। बाकी कमेंट करके बताइए मेरा ये मेहनत वाला वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूं, अच्छा वीडियो बनाता हूं, फुल इंफॉर्मेशन के साथ बनाता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूर बनता है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।